गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं सुनील कात्यान और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कब दी जाती है? इंट्रोडक्शन जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते हैं तो आपका टीचर आपसे कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे कहता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या आप किसी सभागार में जाते हैं, ऑडिटोरियम में जाते हैं, तो वहां पे आपसे कहा जाता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो किसी भी जगह पे आपको इंट्रोडक्शन के लिए कहा जा सकता है। तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर किन किन पॉइंट्स को शामिल करना है और किसको शामिल नहीं करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने आपको रिज्यूम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरह का फॉर्मेट होता है, उसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको वीडियो को देखिए। रिज्यूम एक्सेप्ट होने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है और नेक्स्ट स्टेप आपका आता है जिसके अंदर इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसी के बारे में ये वीडियो है जहां पे मैंने अपने 9 पॉइंट्स को कंपाइल किया है, 9 पॉइंट्स को मैंने रखा है जो कि इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके लिए जरूरी होते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आपका क्या आता है? ग्रीट। जब भी आप रूम में एंटर करते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैसे? गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग मैम। ठीक है, जो भी मेल या फीमेल जो भी आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे आप हेलो या हाय नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। इसको फॉर्मल वे बोला जाता है। ठीक है, आप फॉर्मल वे ही यूज करोगे ग्रीट करते टाइम। उसके बाद आप क्या बताते हो? अपना नाम बताते हो। कैसे बताओगे? माई नेम इज सुनील या माई नेम इज पूजा। ठीक है, इस तरह आप अपने नाम को बताओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं? दिस इज सुनील, ये टोटली गलत है। माई सेल्फ सुनील गलत है। ठीक है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। आप इस तरह इंट्रोडक्शन अपनी नहीं दोगे। अपने नाम को जब आपको बताना है तो क्या बताओगे? माई नेम इज सुनील। ठीक है, इस तरह आप अपने नाम को बताओगे। उसके बाद आप किस जगह से रिलेटेड हो, कहां से आप आए हैं, किस जगह है, मतलब प्लेस। ठीक है, प्लेस में आप क्या कहोगे? आई बिलोंग टू सोनीपत, आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू हरियाणा। जिस जगह से आप हैं उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताएंगे? तीसरे नंबर पे पहले आपका ग्रीट हुआ, नेम हुआ, प्लेस हुआ, फिर क्वालिफिकेशन, फिर आपने जो क्वालिफिकेशन अचीव किया, जहां तक हम पढ़े हैं वो चीज आप बताएंगे। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपने अचीव की है उनके बारे में बताएंगे। दोनों क्वालिफिकेशन के बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, जैसे आपकी कोई पोजीशन आई है, आपकी स्पोर्ट्स में हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी में पोजीशन हो सकती है, किसी एक्टिविटी के अंदर हो सकती है, तो कोई भी अगर आपकी पोजीशन आई है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप उसको किस में ऐड कर सकते हो? अचीवमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई आप एक्सपीरियंस है पहले से ही तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो? अपना प्रोजेक्ट वर्क या इंडस्ट्रियल विजिट्स जो आपकी हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप क्या बताओगे? अपनी स्ट्रेंथ या सेल्फ स्ट्रेंथ। ठीक है, वो चीज आप बताओगे। स्ट्रेंथ में आप ये मत कहना मैं 4 आदमियों से अकेला झगड़ा कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, या मैं शमशान घाट अकेला चला जाऊंगा, तो ये चीजें स्ट्रेंथ में नहीं होती। ठीक है, वो जॉब के अकॉर्डिंग आपकी कैसी स्ट्रेंथ हो सकती है। जैसे आप स्ट्रेंथ के बारे में कहो तो आई एम हार्ड वर्किंग। ठीक है, इस तरह की बातें आप बता सकते हो स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती हैं हॉबीज। आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? लिसनिंग टू म्यूजिक है, रीडिंग न्यूज़पेपर है, रीडिंग बुक्स है, जो भी आपकी हॉबीज हैं आप हॉबीज बताओगे। और इन दी एंड आप क्या करोगे? एंड कैसे करोगे? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और थैंक यू सर, दिस इज ऑल अबाउट माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इस तरह आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो अभी मैं एक एक करके सभी के बारे में एक एक लाइन आपको बताऊंगा। देखिए, आप लोग 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपके पास कम से कम इतनी स्किल होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप ये 8 से 9 लाइनें टोटली इंग्लिश में आप बोले, इसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। तो कम से कम 9 लाइनों को आप अपने, देखो कोई दूसरी चीज याद करनी हो तो फिर भी प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अपने बारे में तो हम 9 चीजें बता ही सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हम एक एक करके सभी लाइनों को डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूं हर एक चीज को इंग्लिश में आप किस तरह लिखेंगे या किस तरह आप याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है ग्रीट, और यू कैन से ग्रीटिंग्स। हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर और गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। सुबह 12 बजे तक का टाइम होता है तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग।
12 से 5 बजे तक का, शाम को 5 बजे तक का टाइम होता है हम क्या बोलते हैं गुड आफ्टरनून, और 5 बजे के बाद का टाइम होता है 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए तो हम क्या बोलते हैं गुड इवनिंग सर। ध्यान रखना इसके अंदर कभी भी हम गुड नाइट नहीं बोलते हैं, चाहे कोई भी टाइम है 7 बजे है 8 बजे है या प्लेसमेंट ड्राइव आपकी 9 बजे तक भी चलती है तो भी आप गुड इवनिंग सर ही बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है योर नेम, आपका नाम, तो आप अपना नाम कैसे बताते हैं, एग्जैक्ट वे करेक्ट, सबसे अच्छा करेक्ट वे कौन सा है, माय नेम इज सुनील या माय नेम इज रीटा। आप कभी भी ये नहीं कहोगे आई एम सुनील या माय सेल्फ सुनील या दिस इज सुनील, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। एग्जैक्ट चीज क्या है, आप नाम कैसे बताएंगे, माय नेम इज सुनील। नेक्स्ट प्लेस, आप किस जगह से हैं, आपका आप क्या बोलेंगे, I belong to Sonipat या I am from Sonipat, जो भी आपका प्लेस है, जो सी आपकी जगह है, आप यहाँ पे अपने शहर का नाम लिखेंगे किसके अंदर, प्लेस के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैसे बताएंगे आप, I am a graduate और I am pursuing diploma in mechanical engineering और plastic engineering, जिसमें भी आप डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट डिप्लोमा जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं वो बताएंगे, या I have completed my graduation diploma B.Tech from this institute, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन हमारी वो क्वालिफिकेशन होती है जहां से हमारी कोई स्किल इंप्रूव होती है। ठीक है, तो जैसे आई हैव डन 6 मंथ्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन होते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट वर्क और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो बच्चा डिप्लोमा करता है, डिग्री करता है, मतलब बीटेक करता है, एमटेक करता है, तो उन्हें क्या होता है, अपने करिकुलम के अंदर प्रोजेक्ट भी बनाना होता है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जाना होता है इन बिटवीन द सेमेस्टर्स या फाइनल सेमेस्टर के अंदर। तो वो कौन से आपने किए हैं भाई, जिसके लिए एलिजिबल है वो ले सकता है, जिसके लिए एलिजिबल नहीं बनती है चीजें वो उसको हटा सकता है। ठीक, तो हम बोलेंगे आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग माय डिप्लोमा और बीटेक प्रोजेक्ट्स के नाम दिस एंड दिस, या हम बोलेंगे अगर हम कोई इंडस्ट्रियल विजिट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो आई वेंट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और आई वेंट फॉर इंडस्ट्रियल विजिट एट यामा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग माय डिप्लोमा और बीटेक, जहां पे भी आप कोई प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्ट को मेंशन करेंगे, इंडस्ट्रियल विजिट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की है तो आप उस चीज को मेंशन करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपीरियंस, कैसे, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली आई एम ए फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप क्या कहेंगे, आई हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज मशीन ऑपरेटर। भाई यहाँ पे ईयर आपके वेरी कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आई हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज मशीन ऑपरेटर एट यामा मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिस भी कंपनी में आपने काम किया है आप उस कंपनी का नाम भी साथ में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसे आ जाएगा आपका किसके अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अचीवमेंट्स, कैसे कहेंगे, I won the first prize in sports event at school level या I secured first position at university level या I was college topper। भाई आपने कोई खेल में भाग लिया है या किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है या आप यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं या आपने कॉलेज में टॉपर रहे हैं आप स्कूल में टॉपर रहे हैं तो उन चीजों का आप अचीवमेंट्स के अंदर एड कर सकते हैं। सेल्फ स्ट्रेंथ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पंचुअल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम क्विक लर्नर, आई एम स्मार्ट वर्कर, आई एम हार्ड वर्कर। आप अपने अंदर देखिए आपके अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटी है, जो आपके अंदर क्वालिटी है आप उसी चीज को सेल्फ स्ट्रेंथ के अंदर मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो लिखा है हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप का एनालिसिस कीजिए आपके अंदर क्या है, आप इसमें से कहां पे एडजस्ट होते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट बनता है हॉबी या हॉबीज। माय हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, माय हॉबी इज रीडिंग जर्नल्स, माय हॉबी इज रीडिंग मैगजीन्स, माय हॉबी इज रीडिंग एनीथिंग न्यूज़पेपर जर्नल्स और मैगजीन फॉर अपडेटिंग माय सेल्फ अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। संसार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रही है, अपनी स्किल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं उनकी स्टडी करता हूं ताकि मैं अपडेट रहूं अपने आप को। अब कुछ बच्चे लिखते हैं आई एम
माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब ये थोड़ा सा ना स्टेटमेंट थोड़ी गड़बड़ वाली हो जाती है, ठीक है, तो सामने वाले के पास एक इम्पैक्ट पड़ता है कि म्यूजिक क्या शौक रखता है, मे बी ये वर्किंग आवर्स में ये करे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की चीजें बोलते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको कंस्टेंट जरूर देना होगा, आपको बताना होगा कि जब मैं टायर्ड होता हूँ या मैं अपने जब काम को खत्म कर देता हूँ उसके बाद ही मैं म्यूजिक को सुनना पसंद करता हूँ। अदरवाइज ये चीज आप बताएंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। क्या? लिसनिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग जर्नल्स, रीडिंग मैगजीन्स, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आप वो मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं ताकि आपकी नॉलेज अपडेट होती रहे। तो ये आपकी किसमें हो सकती है? हॉबीज में हो सकती है। इन द एंड आप क्या कहेंगे? थैंक यू सर और थैंक यू मैम, दिस इज ऑल अबाउट मी एंड माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप लास्ट में क्या कहेंगे? थैंक यू कहेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो है किसके रिगार्डिंग? सेल्फ इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। बच्चों आप सभी क्या करेंगे, ये 10 के 10 पॉइंट या 9-10 जो भी आपके पॉइंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है ना, तो भाई पहला इंप्रेशन अगर अच्छा होगा तो आपका इंटरव्यू क्लियर होने का बहुत बहुत अच्छा चांस होता है। तो मैंने ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी आप सजेशंस देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।